मुनाफे का बजट देता है इतने सारे काम करने के बावजूद, क्योंकि जो केजरीवाल का अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च करो। नरेंद्र मोदी जी का जो अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा अपने चंद दोस्तों के ऊपर खर्च करो। तो राम राज्य को लेकर हमारी जो कल्पना है उसको हम जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे, उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। और जो भी लोग हमारी राम राज्य की कल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। क्या काम हमने दिल्ली में किया है, क्या काम हमने पंजाब में किया है, वो काम लोग देखें। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अबरार अल रहमान। दर्शकों, इस समय देखा जाए तो एक बड़े मामले को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव को भी कहीं ना कहीं इससे जोड़ करके देखा जा रहा है। और ये आरोप कहें या फिर आप कहें कि इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक फायदा जो उठाने का एक सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज हम इसी बड़े मामले पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दर्शकों कि आखिरकार ईडी सीबीआई की कार्रवाई जो लगातार विपक्षी नेताओं पर एक के बाद होती चली जा रही है, दरअसल उसका अंत कैसे होगा। और ये लड़ाई आप कहें या फिर ये कार्रवाई कहें मात्र दिल्ली या बिहार तक जो है सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में भी, पश्चिम बंगाल में भी विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से ही परेशान किया जा रहा है। विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के एकजुट हो चला है और इसको लेकर के साफ तौर पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को आईना दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश भी की जा रही है, विरोध भी किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आइए हम आपको दिखाते हैं दर्शकों एक रिपोर्ट कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ सिलसिलेवार तरीके से ये जो कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है वो आखिरकार थमेगा कहाँ। और अब जबकि मतदान में मात्र 2 दिनों का समय रह गया है, क्या इस समय सीमा में आम आदमी पार्टी कोई बड़ा कमाल कर पाएगी और क्या ये जो कार्रवाई है ये भारतीय जनता पार्टी को बैकफायर कर जाएगा। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट देखिए दर्शकों। इस रामनवमी के अवसर पर आज हम लोग एक वेबसाइट की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका राम राज्य। आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की राम राज्य को लेके क्या अवधारणा है, वो राम राज्य जिसकी बात प्रभु श्री राम ने कही, जिसको सच करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दिखाया, वो राम राज्य जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बार बार जिसका जिक्र किया कि हम देश में राम राज्य लाना चाहते हैं जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें सबकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, जिसमें कोई छोटा कोई बड़ा हो ऐसी भावना खत्म हो। और अरविंद केजरीवाल जी ने राम राज्य के सपने को सच करने के लिए दिल्ली में अद्भुत काम करके दिखाया है, पूरे देश और दुनिया को उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह पहली रामनवमी है जब अरविंद केजरीवाल जी हम लोगों के साथ नहीं है, वो जेल में है, जेल से अपने संदेश भेजते रहते हैं, दिल्ली की देश के लोगों की चिंता करते रहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में पत्र से और अपने संदेश से वो हम लोगों को सूचित करते रहते हैं। उनके विरुद्ध निराधार बेबुनियाद मामले बनाए गए जिनका न कोई सिर है न कोई पांव है, झूठे बयानों के आधार पर बनाए। तो आपने देखा दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं इस रिपोर्ट में और समझाते हैं आपको आखिरकार सवाल जवाब के माध्यम से कि अब ये जो लड़ाई है वो 2024 पर कितना असरदार साबित हो सकती है। नाज़मीन है मेरे साथ, इस पूरे मामले को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष के खिलाफ ये कार्रवाई भाजपा को भारी पड़ेगी या फिर भाजपा को लेकर के जो आरोप है कि इसका राजनीतिकरण वो कर रही है, इसका फायदा उठाना चाहती है ताकि प्रचार प्रसार ना हो और फिर विपक्ष जो दल हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी सीटों को बचाने में असफल हो जाए, कैसे?
देखिए, कहा जाता है कि काम बोलता है, और काम आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बखूबी बोला है, और वो काम आज की डेट में हर जनता उस काम का लाभ उठाती हुई नजर आ रही है। और अरविंद केजरीवाल की तारीफों के अलावा बुराइयों की बात करें या कमियों की बात करें तो दिल्ली की जनता ने कम ही बताए होंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, एक ऐसी जोड़ी यहाँ पर नजर आती थी, तिगड़ी कह सकते हैं, एक ऐसी तिगड़ी नजर आती थी जो ना सिर्फ दिल्ली में सीमित थी बल्कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम और राज्यों तक में भी आम आदमी पार्टी पूरी जद्दोजहद में लगी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कैसे किया जा सकता है। तो अब आप देखिए कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। बेशक जीती ना हो, लेकिन चुनाव जीतने के लिए कोशिशें जरूर की गई थी। कोई कारण नहीं, तो आज 10 साल के अंदर वो सफर केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया कि न सिर्फ दिल्ली में 3 बार सरकार बनी बल्कि पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार 9 सालों में, और 2 सालों में भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में ऐसे काम करके दिखाए जिसका उदाहरण आज दुनिया के देश दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल जी के द्वारा बनाए गए स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया जी के द्वारा बनाए गए स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। एक ऐसा दिल्ली मॉडल, एक ऐसा काम का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, अब अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनता है, कैसे यहाँ पर स्कूल बनते हैं बच्चों के लिए, फ्री बिजली किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि फ्री बिजली भी दी जा सकती है। आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने फ्री बिजली योजना लागू की, फ्री पानी की योजना लागू की, फ्री बस की यात्रा की योजना लागू की, 1,000 रुपए प्रति माह देने की योजना लागू की, फरिश्ते स्कीम की योजना लागू की, और उसके बाद मुनाफे का बजट। अभी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था आतिशी जी ने असेंबली में, मुनाफे का बजट। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जो मुनाफे का बजट देता है इतने सारे काम करने के बावजूद, क्योंकि जो केजरीवाल का अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च करो, नरेंद्र मोदी जी का जो अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा अपने चंद दोस्तों के ऊपर खर्च करो। तो राम राज्य को लेकर हमारी जो कल्पना है उसको हम जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे, उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। और जो भी लोग हमारी राम राज्य की कल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। क्या काम हमने दिल्ली में किया है, क्या काम हमने पंजाब में किया है, वो काम लोग देखें, जानें और तब हमारे साथ जुड़ें। मैं आतिशी जी से और सौरभ जी से कहूँगा, जैस्मिन जी से, कि वो भी अपनी बात रखें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो केजरीवाल जी के राम राज्य के मॉडल को जमीन पर सच करके दिखाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आतिशी जी,